सो हे यार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीप टेक यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यार कि कैसे हम अपने चैनल पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है यार, हम कैसे चेक कर सकते। कॉपीराइट स्ट्राइक ही नहीं है यार, हम ये भी पता कर सकते हैं कि कॉपीराइट गाइडलाइंस स्ट्राइक आया है या नहीं, कि जो कि यूट्यूब की तरफ से आता है, जो कि आपका कोई भी मतलब यूट्यूब को कोई भी गाइडलाइंस के खिलाफ आप वीडियो बनाते हैं तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक गाइडलाइंस भी ठोक देता है यूट्यूब, और किसी का कॉन्टेंट आप मतलब कॉपी भी करते हो तो वो भी आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक देता है, जो कि आपको लिए दोनों मतलब चीज चैनल पर इफेक्ट देता है, यानी आपका तीन स्ट्राइक तीनों पर चलाता है या तीन में से मतलब छह में से कोई भी चलाता है तीन गो स्ट्राइक आपके चैनल पर, तो आपके चैनल को यूट्यूब पर से डिलीट कर दिया जाता है यार। तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि मतलब हम मतलब कैसे चेक कर सकते कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या गाइडलाइंस स्ट्राइक आया ही नहीं आया है या नहीं आया। पहले हम चेक कर पाते थे मतलब क्लासिक वर्जन में जब यूट्यूब था, लेकिन अब मालूम है कि यूट्यूब का बीटा वर्जन आ गया है, तो आप बीटा वर्जन में कैसे मतलब चेक कर सकते हो कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर आया है या नहीं। पहले था कि YouTube में मतलब बीटा वर्जन में आप क्लासिक वर्जन को इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो, लेकिन अब वो भी फंक्शन हट चुका है। तो मैं इस पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत लोग बोले थे कि भाई मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक पर वीडियो बना कि बीटा वर्जन में हम कैसे चेक कर सकते हैं हम अपने कॉपीराइट स्ट्राइक की हमारे चैनल पर आया है या नहीं। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ यार कि अगर आपको कुछ भी मतलब कस्टमाइज करने में चैनल दिक्कत आता है मतलब बीटा वर्जन में, तो कुछ वीडियो का लिंक आप लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो आप कैसे मतलब अपने चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक चेक कर सकते हो यार, उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को फुल देखना बिना स्किप किए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही आगे इंटरेस्टेड वीडियो देखने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यार, तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, अपने चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर लेना, चाहे आपके पास पीसी हो चाहे एंड्रॉइड फोन हो। तो आप लोगों को मतलब ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों को यूट्यूब को सिंपली youtube.com लिख के सर्च कर देना है। अगर आपके पास फोन है तो आप लोगों को यहाँ से डेस्कटॉप साइड में चले आना, जैसे कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ। अगर आपके पीसी तो ऑटोमेटिक मतलब वो आ जाता है, यानी आप जब यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज करना चाहते हो ना कोई चीज़, तो आप लोगों को डेस्कटॉप साइड में ही करना पड़ता है, ये यूट्यूब का मतलब थी। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमने यूट्यूब को मतलब ओपन कर लिया है। तो आप लोगों को अपने चैनल के प्रोफाइल पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ से यूर चैनल पर सिंपली यहाँ से मतलब क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लोडिंग के लेने के बाद आपके चैनल का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फिर यहाँ से आप लोग कस्टमाइज चैनल पर आप लोग यहाँ से क्लिक कर देना। जब आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ जो सेटिंग्स वाला आइकन है सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने मतलब कुछ फिर ऐसा चैनल का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ चैनल सेटिंग्स, यहाँ से मतलब चैनल को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चैनल सब चैनल को बहुत सारा सेटिंग। तो आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है, एक्सेस मोर ओपन इन अकाउंट सेटिंग्स। तो सिंपली आप लोगों जो फर्स्ट वाला है सिंपली इस पर सिंपली आप लोग क्लिक करना। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हो ना तो आप लोगों को मतलब लोडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग लोडिंग स्टार्ट होने के बाद आपके सामने मतलब कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आप यहां से क्या करना है, सिंपली आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक चेक करने के लिए चैनल पर सिंपली आप लोगों को अकाउंट वाला आइकन पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना ऊपर के साइड में। अकाउंट पर साइन अप क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से योर चैनल के बारे में देख मतलब लिखा आ रहा है, मतलब एडिट ऑन गूगल, इसका मतलब नाम चेंज कर सकते हैं अपने चैनल का, और चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर और फीचर्स मैंने देख सकते हो चैनल का, और फिर एड और मोर मैनेज योर चैनल, फिर व्यू एडवांस मतलब चैनल मतलब सेटिंग्स से, मतलब कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल का आप सेटिंग्स है तो मतलब कर सकते हो। तो हम सिंपली जानने वाले कि कैसे हम यूट्यूब चैनल का स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे चैनल पे आया है या नहीं। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, जो यहाँ चैनल स्टेटस एंड फीचर है इस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना। तो आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने मतलब लोडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो लोडिंग स्टार्ट लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो देख सकते हो यार, यहाँ से आप लोगों को यहाँ से मतलब देख सकते हो 0 of 3 कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी कि आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो यूट्यूब की ओर से आप लोगों को वार्निंग दिया जाता है कि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है 3, अब चैनल आपका कुछ दिनों में हटा दिया जाता है। अगर आप मतलब हटा दिया जाता है चैनल को, यानी यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब पर से आपका चैनल को डिलीट कर दिया जाता है, अगर आप वो स्ट्राइक को हटवा देते हैं जिन्होंने दिया, तो आपका चैनल बच सकता है। और यहाँ आप लोगों को यूट्यूब तरह से गाइडलाइंस स्ट्राइक मिलता है। तो देख सकते मेरा भी एक मतलब गाइडलाइंस स्ट्राइक वार्निंग मिला था, एक्चुअली मेरा स्ट्राइक नहीं मिला था, मेरा मुझे इसलिए मिला था गाइडलाइंस स्ट्राइक क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब स्टोरी, यानी आप यूट्यूब स्टोरीज कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इस पर मुझे मतलब तुरंत नहीं मिला था, एक 2 महीना 3 महीना हो गया था उस
किताब मिला था, मतलब यूट्यूब की तरफ से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक गाइड मतलब मिला था, कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग मिला था। तो वो वार्निंग कौन सा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मतलब गाइडलाइंस वार्निंग है जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सिंपली यार आप अगर इसी स्ट्रिप को फॉलो करते हो ना तो आपको भी पता चल सकता है कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट गाइडलाइंस स्ट्राइक आया है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद पड़े, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय।